आज हमारे पास में एक क्लासी जेंटलमैन है बॉलीवुड के, इनफैक्ट 35 साल से इंडस्ट्री में रह चुके हैं और बहुत शानदार फिल्में दी हैं। मिसाल के तौर पे बाघबान, आशिकी, दीवाना मस्ताना, चाहत। इनफैक्ट आपको वो तो याद होगा ना, नुक्कड़ सीरियल जिसमें कि एक कादिर भाई हुआ करते थे, जिन्होंने बिल्कुल उनके लिए नुक्कड़ के लोगों के लिए, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए टी और स्नैक्स फ्री में दिए, एक पैसा नहीं लिया। इनफैक्ट इनकी फेवरेट फिल्म मेरी जो रही है इनके साथ में, वो है सर। आज यही सर आप लोगों के लिए एक टिप्स, वाइडल टिप्स शेयर करना चाहते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो कि न्यू कमर होता है बॉलीवुड में, इनकी तरह एक फेम पा सके। मे हैव अ प्लेजर टू इंट्रोड्यूस द जेम ऑफ बॉलीवुड, मिस्टर अवतार गिल। अवतार सर, वेलकम। शुक्रिया, थैंक यू। अवतार जी, भले ये बताइए कि हम आपकी जो बेसिकली आप 35 साल से इंडस्ट्री में हैं, शुरुआत से हम जानना चाहेंगे कि बचपन से, जहां तक हम बात करते हैं, स्कूल में बहुत से बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, उनके कुछ ख्वाब होते हैं, तो स्कूल लाइफ आपकी कैसी थी और आपका क्या यही ड्रीम था? स्कूल लाइफ मेरी बहुत ही नॉर्मल थी, मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे होते हैं उन जैसी। लेकिन फिल्मों में काम करने का उस वक्त कोई इरादा भी नहीं था, सोच भी नहीं थी और ड्रीम भी नहीं था। फिल्मों में आने से पहले स्कूल में मेरे फर्स्ट चाइल्डहुड हीरो दारा सिंह थे और मैं रेसलर बनना चाहता था, और मगर मैं वो बन नहीं पाया क्योंकि उसके लिए जो मेहनत चाहिए थी वो करने लायक नहीं था मैं, तो इसलिए मैं रेसलर नहीं बन पाया। लेकिन रेसल जैसी पर्सनालिटी तो है आपकी बॉलीवुड में, लेकिन स्कूल की हम बात करें तो आप पढ़ाई में कैसे थे? मतलब यू वर स्टूडियस और बिल्कुल मीडियोकर थे या वीक थे? मैं मीडियोकर था बिल्कुल ही, मतलब किसी तरह से पास हो जाता था। आखिरी दो महीने में किताबें में पढ़ के मक करके रट्टा लगा के, बाकी पढ़ाई का ज्यादा मुझे शौक नहीं था उसको। ओके, और अगर हम बात करें पेरेंट्स के बारे में, मिसाल के तौर पे आपके पेरेंट्स, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, कि लोग जानना चाहते हैं कि आपकी शुरुआत क्या, मुंबई के हैं कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? See, I was born in Punjab, place called Ludhiana, but I brought up in Bombay when I was 40 days old. So that's why I called myself a Maharashtrian. Maharashtrian, because I lived my entire life in here from school to college, everything in Bombay. और ये मुंबई ने आपके ड्रीम्स को भी पूरा करा। तो पेरेंट्स के बारे में बात करें, पेरेंट्स क्या एक्टिंग से कुछ कोसों दूर थे या कहीं ना कहीं रिलेटेड थे आपके पेरेंट्स? नहीं, पेरेंट्स को तो कोई पता ही नहीं था, हमारे खानदान में पिछली 20 पुश्तों में इस लाइन में कोई नहीं आया। आई वाज द फर्स्ट ब्लैक शीप इन द फैमिली हु जॉइंड दिस इंडस्ट्री एंड दे वर डेड अगेंस्ट व्हेन आई टोल्ड देम ड्यूरिंग कॉलेज टाइम दैट आई वांट टू एक्ट, दे वर डेड अगेंस्ट। तो वो चैलेंज कैसे ओवरकम करा आपने, वो कन्विंसिंग कैसे करी? I used to tie a turban and I had a beard also in those days. So I just wanted to act in plays those times. So they said for to become actor you have to cut your hair. I said that's a very difficult thing. I can't. My father won't allow me. They said then you can't become actor. You have to do this. This is a requirement. So then I was telling my mother, I want to cut my hair. She said, no way, you cannot cut. You want to act with the turban. So it took me 1 year to convince my mother. And one fine evening, I just cut my hair and I went home. And everybody started laughing. And after big laughter, there was a silence. And she said, your father will kill me also and you also. I said, you have to convince my father. And that's how she convinced. Okay. And it took 6 months. My father didn't spoke to me for 6 months. Oh my gosh. और जब आप बात कर रहे हैं आपके बारे में अवतार गिल, जब भी कोई किसी के बारे में भी जब जहन आता है अवतार गिल का नाम सुन के, लोग ये बोलते हैं कि भाई बहुत ही बिल्कुल डाउन टू अर्थ, बिल्कुल क्लीन इमेज, ये इसका इसका श्रेय किसको देंगे अब, ये क्लीन इमेज और ये डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी आप जो है बॉलीवुड में बिल्कुल, मतलब आप बिल्कुल सीधे साधे अपने काम से, मतलब ये कहाँ से, ये चीज कहाँ से आपने सीखी, कहाँ से? देखिए, पहले तो इमेज और ये डाउन टू अर्थ, ये सारी बातें जुड़ी होती है मैं समझता हीरोज के साथ में या स्टार्स के साथ में। मैं ना हीरो हूँ ना स्टार हूँ, तो मेरे साथ में तो ये
क्या नहीं, अगर नहीं अगर हम कैरेक्टर एक्टर की बात करें तो बहुत से कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं जो बहुत डाउन टू अर्थ कभी कभी होते हैं कभी नहीं, लेकिन आपके बारे में जब जहन आता है तो आप बहुत क्लीन इमेज के इंडस्ट्री में, तो ये कहां से आपने प्रेरणा कहां से ली है? नथिंग, आई एम जस्ट ब्रॉट अप बाय माय पेरेंट्स लाइक दैट, एज आई टोल्ड यू आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, सो दोस वैल्यूज वर गिवन बाय माय पेरेंट्स, ओके, एंड आई नेवर फेल्ट दैट आई एम बेटर देन अदर्स और आई एम डिफरेंट देन अदर्स, दैट्स व्हाई आई एम स्टिल लाइक दैट, आई हैव नॉट डन एनी एफर्ट्स टू डू दैट. जर्नी टू बॉलीवुड की हम बात करें, शुरुआत में जब आपके मालूम है कि आपकी कोई पेडिग्री कनेक्शंस नहीं थे इंडस्ट्री में, तो शुरुआत में जो चैलेंज या सेटबैक्स या कैसे मतलब या कैसे आपने नेविगेट करा अपनी प्रोफाइल को, क्योंकि उस समय में इंडस्ट्री बहुत कॉन्ट्रैक्ट होती थी, अब तो मीडिया इंडस्ट्री बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गई. उस वक्त हम लोग कॉलेज लेवल पे थिएटर करते थे, उसके बाद मैंने इप्टा ज्वाइन कर लिया, तो अराउंड 79 में यश चोपड़ा साहब एक पिक्चर प्रोड्यूस कर रहे थे नूरी, जिसमें रमेश तलवार साहब एसोसिएट प्रोड्यूसर थे, उन दिनों वो कॉलेज में आके हमारे ड्रामास डायरेक्ट किया करते थे, तो वो आउटडोर जा रहे थे फारूक शेख पूनम ढिलम भरत कपूर के साथ, तो मैंने उनसे कहा कि रमेश साहब मुझे भी काम करना ले चलिए साथ में, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई कैरेक्टर तो नहीं है और तुम चलो साथ में देखते हैं, अगर कुछ हुआ तो करना, एंड मैं उनके साथ चल पड़ा और उसकी शूटिंग में मैं कुछ 56 डेज था, जिसमें मैंने 3 या 4 दिन की शूटिंग की, बाकी दिन प्रोडक्शन के काम करता रहा और मुझे वो पूरी फिल्म का 500 रुपया मिला था. जी, वो 500 रुपये आपने क्या किया? 500 रुपये वो लाके मैंने अपनी माँ को दिया और वो खुश हो गई कि चलो भाई 56 दिन के बाद 500 रुपये लाया, मगर बेटे की पहली कमाई थी वो कमा के तो लाया. That's a great, great thought in fact. तो अगर हम बात करें setbacks ही, कोई ऐसा setback हुआ जब आपने struggling कर रहे थे, कोई ऐसा setback जहां आपको disappointment हुआ या depression, कभी ऐसा कुछ हुआ? See, disappointment वगैरह या depression वगैरह तो it's a part of this line. ये तो होता रहा है, हो रहा है, होता रहेगा with everybody. Okay. You have to be prepared for that. Right. You need to be that your shock absorber should be very strong. इससे आप बच नहीं सकते, हाईज एंड लोज आते रहेंगे, ये हर एक की लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में भी आया और बहुत बार आया. अब हम बात करें, इतने जब आपका बिजी स्केड्यूल रहता है, आप थिएटर भी करते हैं, एक्ट भी करते हैं फिल्मों में, सीरियल्स में, तो ये जो मैनेज जो करते हैं पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ, इसमें क्या आप कोई टाइम टेबल सेटअप करते हैं कि भाई मैं इतना ही घंटा मैं दूंगा शूटिंग के लिए और इतना घंटा, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि अक्षय कुमार बहुत डिसिप्लिन एक्टर हैं, वो शाम को 7 बजे के बाद से वो शूटिंग नहीं करते हैं, इज वेरी डिसिप्लिन, उनकी सवेरे शुरू होती है 4 बजे से, तो ये टाइम टेबल आपके लिए भी होता है, आप टाइम टेबल पे काम करते हैं? टाइम टेबल तो सबके लिए होता है, बट यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल ऑल्सो, बिकॉज आई एम नॉट अ स्टार, आई कैन नॉट थ्रो माई टेंट्रम्स, आई कैन नॉट कीप कंडीशंस, सो व्हेन दे नीड मी टू वर्क एक्स्ट्रा आई वर्क एक्स्ट्रा, देन आई नीड टू डू थिएटर दैट टाइम, आई रिक्वेस्ट देम इन एडवांस, हियर फॉर दैट डे आई वर्क माई शोज, सो प्लीज लीव मी अर्ली, सो म्यूचुअली वी एडजस्ट टू ईच अदर. और अगर हम बात करें जब आपके पास खाली समय होता है तो कोई क्रिएटिव चीज आप करना पसंद करते हैं या यू लव टू स्लीप ओनली? आई लव टू स्लीप ओनली, आई लव टू रीड ओनली, और मैं बिल्कुल क्रिएटिव आदमी नहीं हूँ. बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आया आज तक ये क्रिएटिव लव्स क्या होता है, जो लोग से सुनता रहता हूँ मैं क्रिएटिव क्रिएटिव, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मैं ऐसा कोई क्रिएटिव काम आज तक मैंने नहीं किया. लेकिन फिर भी लोगों के आप चाहते हैं फिर भी. ये बताइए कि अब हॉलीवुड एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री होती है, बॉलीवुड ऑर्गेनाइज नहीं होती, व्हेन इट कम्स टू शूटिंग या उसके स्केड्यूल्स के हिसाब से, या जब फिल्मिंग होती है या कोई भी चीज में, तो क्या ऐसा है कि आज भी बॉलीवुड को बहुत सीखना पड़ेगा, या पीपल जो भी नए टैलेंट्स होते हैं उनको हॉलीवुड या कोई भी इंटरनेशनल मीडिया इंडस्ट्री में पहले जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंट को सपोर्ट करती है और ऑर्गेनाइज रहती ज्यादा, आपका उसमें क्या फाइनल मतलब वाइटल कमेंट्स क्या है आपके, कि हॉलीवुड इज मोर बेनिफिशियल देन बॉलीवुड या बॉलीवुड ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है नेम एंड फेम के मामले में? देखिए, वो डेफिनेटली हमसे ज्यादा मोर जो है वो ऑर्गेनाइज है, लेकिन इजी नहीं है, यहाँ पे काम नहीं मिलता आप तो वहाँ क्या मिलेगा आपको. नहीं, बहुत से एक्टर्स हैं जो पंजाबी एक्टर्स हैं जो साउथ ईस्ट एशियन फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं मेन लीड के तौर पे और बहुत फेमस हो गए एशिया में खासतौर से, हालांकि इंडिया में उतना ज्यादा फैन फॉलोइंग उतनी नहीं है, तो आपको लगता है कि ऐसा होना करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए अगर उसको बॉलीवुड में नहीं मिल रहा किसी नए न्यू कमर को तो?
See, I don't think aisa koi zaruri hai. Aapko nahi milta kaam to wahan try kar sakte hain, wahan mil jata to bahut achhi baat hai, but main nahi kahunga ki wahan try karna chahiye phir yahan aana chahiye ya yahan try karke phir wahan jana chahiye. It depends upon your requirement and your hard work. Aap kahan kitna adjust kar sakte hain, kitna aap mein maada hai struggle karne ka. Baaki na easy wahan na easy yahan hai, mehnat dono jagah lagti hai. Okay, तो क्या इंस्पिरेशन से भी सीखने को मिलता है लोगों को या कोई नई चीज जानने के लिए? बिल्कुल, से इंस्पिरेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. सबसे पहली बात तो ये होती है कि इंस्पिरेशन होती है इसलिए आप उस दिशा में, उस रोड पे, उस तरफ चल पड़ते हैं और वो आपको पीछे बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं पुश करता रहता है आगे जाने के लिए. तो बिल्कुल आप सीख सकते हैं इंस्पिरेशन से, लेकिन सिर्फ इंस्पिरेशन से भी नहीं सीख सकते. आपको जो उसके तौर तरीके हैं उस प्रोफेशन के, वो आपको करने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं. और खास करके फिल्म में एक्टिंग, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक जिंदगी भी कम है सीखने के लिए. आप सारी जिंदगी सीखते रहेंगे, चाहे 60 साल 70 साल से काम कर रहे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सीख गया, मुझे आ गया. Okay. अब जैसे आज के दौर पे देखा जाता है कि जितने भी फैंस हैं, ट्विटर अगर कोई जब स्टार्स ट्विटर करते हैं या कुछ फैंस गलत करते हैं, रिस्पेक्ट जैसे बोलते हैं, एक रिस्पेक्ट होती है क्योंकि आप उस जमाने में ट्विटर होता नहीं था, उस जमाने में सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं थी, लेकिन कोई भी स्टार अगर मान लीजिए शूटिंग करके बाहर निकलता था तो बाकायदा फैंस हमेशा रिस्पेक्ट देते थे स्टार्स को. तो आज जो फैंस जो कर रहे हैं अपने खुद के स्टार्स के लिए फेक अकाउंट बनाते हैं या हैक कर देते हैं ट्विटर को, तो आपका ये मैसेज क्या रहेगा फैंस के प्रति? क्योंकि आप इतने रिस्पेक्टेड हैं सब लोग, आपके जैसे जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में आप लोग इतना टाइम डिवोट करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, अपने फैंस के लिए करते हैं, तो उन फैंस के लिए आप क्या देना चाहेंगे जो कि ये गलत हरकतें करते हैं? क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्या है ये, हमारे टाइम पे जैसे आपने कहा ये सारी चीजें थी नहीं. बिल्कुल. तो अब ये जो जनरेशन आई है, जनरेशन ही कंप्यूटर वाली आई है, ट्विटर वाली आई है, फेसबुक वाली आई है, इन लोगों को समझाया नहीं जा सकता ये जब तक खुद ना समझे. जब तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस इनके साथ ना हो तब तक इनको समझाना मुश्किल है. क्योंकि आप जितना मर्जी समझाते रहिए, आपके खुद के बच्चे आपसे नहीं समझते तो ये आप फैंस को क्या समझाएंगे. और जब तक आपको अपना अपब्रिंगिंग जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि भाई आपको रिस्पेक्ट करनी है, सबसे पहले अपनी माँ की रिस्पेक्ट कीजिए, बाप की कीजिए, टीचर की कीजिए. तो वो इसी तरह से फैंस की भी रिस्पेक्ट करना जरूरी है. बाकी ये है, उम्र होती है, आदमी बचपना करता है, जवानी में सब करता है, धीरे धीरे अकल आ जाती है. तो उनको खुद सीखना होगा. मेरी कोई एडवाइस देने से कोई सीखने वाला नहीं है, ना मुझे ऐसी गलत फहमी है कि मेरी बात सुन के कोई आदमी जो है वो अपने आप को चेंज कर लेगा. नहीं, लेकिन क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि आपकी बात सुन के कुछ एक जैसे बोलते हैं कुछ परसेंटेज तो आप एक डिफरेंस तो ला ही रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप दुनिया आपको जानती है. इनफैक्ट ये बताइए कि यू नो जैसे कि आप देखते हैं जितने सारे सुपरस्टार लोगों के साथ में आप काम कर चुके हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि कोई एक एक्स फैक्टर हर एक कैरेक्टर एक्टर में रहता है या एक वाई फैक्टर होता है, जेड फैक्टर होता है, जो कि हर एक सुपरस्टार या कोई भी सुपरस्टार आपको यू नो बोलता है कि भाई वो चीज जो मुझे आपसे सीखनी मिली यंग स्टार, तो आप में वो कौन सा एक्स फैक्टर है जो वाकई में अट्रैक्ट करता है यंग जनरेशन को आपसे सीखने, वो एक्स फैक्टर कौन सा है आपको? जैसे ही मुझे पता लग जाएगा मैं बता दूंगा आपको. आप खुद ही एक एक्स फैक्टर हैं, पर मैं तो ही बोलूंगा मैं. ये बताइए कि बेसिकली आपको कौन सी चीज है जो आपको बहुत खुशी या बहुत ज्यादा उत्साहित कर देती है या एंथुजियास्टिक कर देती है लाइफ में, वो कौन सी चीज होती है? भाई एक तो ये थिएटर जो मैं करता हूँ, थिएटर से बहुत खुश होता हूँ, ये एक तरह का रिलैक्सेशन है. और फिर थिएटर वाले हम शाम को बैठते हैं, यार दोस्त हैं जो हमारे बहुत पुराने 30-35-40 साल के हैं, अब तक हमारा रिश्ता है थिएटर से जुड़ा हुआ. सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड हूँ उस दोस्तों के साथ थिएटर करते हैं और थिएटर करने के बाद करते हैं. उसके बाद ये होता है कि जब छुट्टी है तो घर में अपनी फैमिली के साथ होता है, और इसके अलावा तो मैं और कुछ करता भी नहीं हूँ, मुझे आता भी नहीं. Okay. और अगर हम बात करें आपकी मम्मी के बारे में या फादर के बारे में, कोई ऐसे 3 पॉइंट्स बताना चाहेंगे जो आप आज भी उनकी बातें याद रखते हैं जिसके कारण वाकई में मतलब वो एक मैजिक मंत्र आपके लिए भी काम करता है? सिर्फ 3 बातें नहीं है, 3,000 बातें हैं यार, 3,00,000 बातें हैं. आप लेकिन 3 ऐसी बातें जो जहन में भी रहती है, भूल ही नहीं सकते कभी, बिकॉज मेरी मदर वॉज दी ओनली वन जिन्होंने मुझे एनकरेज किया.
जो हर वक्त मेरे साथ खड़ी रही. पैसे की सपोर्ट नहीं थी वो उन्होंने की, बिगनिंग में आने की सपोर्ट नहीं थी वो उन्होंने की, और उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझसे कुछ भी. मैंने कहा जो आपको करना है वो करो, हम आपके साथ. वो हर हाल में जब तक जिंदा रही वो मेरे साथ रही. उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मैं कहूँ और उन्होंने नहीं मानी, चाहे उनके बस में थी या नहीं थी, उन्होंने हर बात में मेरा साथ दिया. But I express my solitude towards my respected Madam Gill for this. But मैं ये जानना चाहूंगा कि जब depression होता है तो कोई माँ ने हर बच्चे को एक magic मंत्र दे दी, तो वो magic मंत्र थोड़ा सा आप अपने नए talents को share करना चाहेंगे depression में क्या करना चाहिए जैसे कि वो बाहर आ जाए. देखिए depression तो आएगा, इससे आप बच नहीं सकते, वो तो आएगा. एक तो वो घर में मत बैठे ये रहिए मुंह बना के, इसलिए उसका alternate होता है. उसका alternate हमने ढूंढा हुआ theater. मैं जो है वो डिप्रेशन से निकलने के लिए थिएटर करते हैं हम लोग. जबकि मैं बताऊं आज थिएटर हमारे दो शो है, 6 बजे भी 9 बजे. मुझे 300 रुपया पर शो मिलेगा, 600 रुपया मिलेगा, और मैं अब आया हूँ रात को 12 बजे तक यहाँ हूँ. मैं 1000 रुपए का टैब मेरा पेट्रोल जल जाएगा, मैं इतनी दूर रहता हूँ. तो ये डिप्रेशन से बचने के लिए है. आप अपना मनपसंद काम कर रहे हैं, एक्टिंग ही कर रहे हैं, कोई भजिए नहीं चल रहे यहाँ बैठे, और आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ भी हैं, तो आपके पास कोई ना कोई डिप्रेशन को निकालने के लिए अल्टरनेट आपको ढूंढना पड़ेगा. चाहे वो थिएटर कीजिए, चाहे वो किताब पढ़िए, चाहे वो सिनेमा देखिए, चाहे जो आपको पसंद हो. तो वो मत कीजिए, लोग डिप्रेशन में आके दारू पीना शुरू हो जाते हैं, तो वो आपको और ज्यादा डिप्रेशन में ले जाता है, और वो और आपको ज्यादा बिटर बना देता है, और आपको अपना फ्रस्ट्रेटेड करता है. तो अपना अपने रास्ते हैं सबके, ढूंढ लीजिए कोई भी. मेरा रास्ता ये है, मैंने थिएटर ढूंढा हुआ है. That's a great, great thought. दोस्तों ये हैं मिस्टर अवतार गिल जी. आप समझ सकते हैं कि इन्होंने तीन चीजें जो बहुत गहराई से टच करी वो ये कि पहली बात तो आप अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि कल्चर ही इम्पोर्टेंट होता है जो एक इंडिविजुअल को आगे ले जाता है. जैसे अब जैसे मैंने पहले भी कहा शुरुआत में कि अवतार गिल का नाम कभी भी आप भी याद करते तो आप यही सोचते हैं कि बहुत सीधा साधा एक आदमी है जो बेचारा आज बिल्कुल मतलब बिना कोई शिकायत करे बॉलीवुड के खिलाफ में कुछ भी एक शब्द ना बोले आज 35 साल से इंडस्ट्री को और आप जैसे लोगों को सिर्फ हंसा रहा है या रुला रहा है. बट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यकीनन अगर आप ये एडवाइस ग्रहण करेंगे और ये उसको आप अपनाएंगे तो यकीनन अवतार जी जैसे आप भी विकिपीडिया पे जरूर आ जाएंगे. अवतार जी थैंक यू सो मच, आपने इतनी वाइटल एडवाइस दी. रियली इट्स अ रियली यू नो अ काइंड ऑफ अ गिफ्ट ऑफ लव फ्रॉम योर साइड टुवर्ड्स द टैलेंट वर्ल्ड. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. इट्स नाइस मीटिंग यू, नाइस टॉकिंग टू यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.